इतना खतरनाक एक्सीडेंट होता है वही ट्रक के साथ। ओह माय गॉड। ठीक है भाई जी, राइडिंग गियर है। मैं काफ़ी देर से खुद ही चुप हूँ क्योंकि एक्चुअल में मुझे भी पता नहीं लग रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं बाइक चला रहा हूँ लेकिन सच में बहुत अजीब लग रहा है इस चीज़ का। पहले तो तेल डलवाना है अपने को क्योंकि बाइक में तेल होने वाला है ख़त्म, कि लिटरली हालत रात को ख़राब हो गई है यार। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो। तो मैं जा तो रहा हूँ, देखता हूँ अभी यार क्या बनता है क्या नहीं बनता है। थोड़ा सा यहाँ से रॉन्ग साइड चलना पड़ेगा। नहीं, ये स्टेयरिंग जो है वो ठीक हो जाएगा, सीधा हो जाएगा या नहीं होगा, या फिर मुझे नई रॉड ही कोई लगवानी पड़ेगी, ये देखना पड़ेगा अभी मुझे जाके। जा तो रहा हूँ मैं, पेट्रोल पंप भी यहीं सामने ही है, तो पहले तेल डलवाता हूँ, आगे से घूम के आता हूँ। थोड़ा सा डिस्क लगाना ना, सच में डिस्क लगा रहा हूँ तो पूरी बाइक एक साइड को झुक जा रही है। ओके थैंक यू। तो ऑयल वगैरह करवा के अभी मैं जा रहा हूँ 6 फेस। सबसे पहले हॉस्पिटल जाऊँगा, एक्सरे वगैरह करवाते हैं। एक्चुअली बाजू जो है वो फूल गई है, कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उसकी वजह से कोई इंजरी ना हो अंदरूनी, तो उसका मेरे को डर है थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैं एक्सरे वगैरह करवा के फिर उसके बाद बाइक का काम करवाता हूँ। दोनों चीज़ें रास्ते में पड़ती हैं क्योंकि, तो मैं दोनों एक साथ करवा लूँगा। अभी ये आराम से चलेंगे यार, क्योंकि अगर मैं डिस्क ब्रेक मार रहा हूँ तो एकदम से लग जा रही है। बाइक में कुछ और भी प्रॉब्लम जो है वो आई है, सच में मूड ही ऑफ हो गया है यार इस चीज़ से। एक बारी को मन कर रहा है बोलने का कि कसम से अगर मेरे को लग जाती है ना, मेरे को इतना दुख नहीं होता यार, मैं ठीक कर लेता खुद को। पर हाँ, बाइक को लगी है ना, मेरे को सच में दुख हो रहा है उस चीज का यार। अब ये इधर वाला पोर्शन ज्यादा दूर लग रहा है, इधर वाला ज्यादा पास लग रहा है, मेरे को अजीब सा लग रहा है बाइक को चलाने में भी। तो ये जब तक ठीक नहीं होगी ना, तब तक मेरी सांस नहीं आएगी मेरे को। चलो सब बढ़िया है, होते रहते हैं। रोड पे चलेंगे, सिंपल सी बात है यार, अगर आप भी ड्राइव ऑन अ रोड तो कुछ भी हो सकता है। हर चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। अभी है ठीक रहो, मस्त रहो, राइड करते रहो, सेफ राइड करते रहो। आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा, मेरा ग्लव्स है शायद ये वाला है, हाँ ये वाला ग्लव्स अगर आप देख रहे होंगे पूरा टूट गया है। अगर ये नहीं होते ना कल तो मेरा पूरा हाथ वगैरह सब कुछ छिल जाता यार। दूसरे वाला ग्लव्स भी पूरा नीचे से छिल चुका है। चलो इसका तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि नए वाले ग्लव्स जो मैंने पहले ऑर्डर कर दिए थे इससे भी बढ़िया वाले, ये प्रो बाइकर के थे, काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा था इनको, 2-3 महीने से मैं भी इनको यूज़ कर रहा था, अच्छे हैं यार ये भी, हाथों से बचा लेते हैं, बाकी नहीं मैं कुछ बोल सकता हूँ। ठंड वगैरह से नहीं बचा सकते क्योंकि ठंड तो ये जुल्मी ठंड लगती है यहाँ पे। आगे पता नहीं क्या चला है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। आई थिंक ये शायद टीचर्स वाला जो है वो कुछ चला हुआ है यहाँ पे पंजाब में, क्योंकि टीचरों को लेके जो है बहुत ज़्यादा धरने हो रहे हैं। हाँ यहाँ नीचे कुछ चला है। चलो अपन तो चल ही रहे हैं, ये गाड़ी वाला चलेगा तो अपन भी चल पड़ेंगे। कल रोड टेटी हुई थी वो मैं बाइक के लिए तो ले आए अभी हम,
इसको डलवाता हूँ। मैं भी अभी हॉस्पिटल जाके आया, बहुत ज़्यादा चेकअप करवा के आया, तो ये रॉड आ चुकी है, इसको डलवाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। स्टेयरिंग का काम हो गया शुरू, तो मैं फ़ोन कर देता हूँ कहीं के एडजस्ट करते हैं बाकी काम। और वीर जी क्या हाल है? हाँ जी, ये पूरा स्टेयरिंग खोल दिया अभी चाचू ने, लगे हुए हैं काम। मैं पिंडो आया राती जलाला मार गए लड़के, बांस भी उड़ी के चला गई। अभी इसका इलाज करवाना पड़ेगा, इस पर कुछ टेपिंग करते हैं, जैसे यहाँ पर हुई है टेपिंग, यही सेम टेपिंग मैं दोबारा से यहाँ पे करवा दूंगा एक और, तो उससे क्या होगा कि ये सारा ढक जाएगा, क्योंकि इसको चेंज करवाने का फ़ायदा नहीं है, वैसे जुड़ा हुआ है। ये इंडिकेटर भी ठीक हो जाएगा, इंडिकेटर ले आए हैं अपन, तो ये भी चलवा देंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। इलाज उलूज करवा के मैं बाइक देखने आया था, मैं कहा बाइक का क्या काम गल चला हुआ है, तो बाइक की हालत देख सकते हो पूरी खुली पड़ी है, इसका पूरा काम हो रहा है, बाकी सामान इधर पड़ा हुआ है सारा, टंकी टंकी खुलवा के, क्योंकि इसका चोक वगैरह भी ख़राब हो गया था, टूट गया था, वो भी डल रहा है इसमें नया, और बाकी और सामान आ रहा है वो भी डल रहा है सब कुछ, तो कर लेते हैं इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद चलता हूँ यहाँ पे, एक टेपिंग होनी है वो टेपिंग करवाऊँगा फिर बाकी काम पूरी ओके हो गई है दोबारा से, बस एक छोटा सा काम रह गया, ये बाद में करवा लेंगे, थोड़ी देर बाद करवा लूँगा, बाकी सारा काम ओके हो गया, तो चलते हैं अभी ऑफिस जाना है मेरे को, इस टाइम पे बुलावा आया है मेरे लिए स्पेशल। रूम पे पहुंच चुके हैं, पूरा काम कुम करवा के, बाइक का पूरा काम करवा के, खुद का पूरा टेस्ट वगैरह करवा के, तो अभी के लिए सब ठीक है। होप यू गाइस लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बने रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू सो मच।